मोदी जी, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने पनिशिंग शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। इस इंटरव्यू को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, कुछ बिग पिक्चर क्वेश्चंस पूछेंगे। शुरुआत में हमारे संग हमारे दो कलीग्स जुड़े हुए हैं, एक महाराष्ट्र के एंकर हैं, दूसरे हमारे कर्नाटका के एडिटर हैं। ये दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में, तो हमने सोचा कि थोड़े सवाल वो भी आपसे करेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने साथ कर्नाटका और महाराष्ट्र को भी जोड़ दिया है, तो एक प्रकार से आपने मेरी मदद की है, वरना तीनों को अलग अलग इंटरव्यू देता तो शायद मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ता। बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका नेटवर्क की टीम। थैंक यू भैया। पहला सवाल मोदी जी, हम लोग पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हम लोग साउथ में थे, बिहार गए और भी महाराष्ट्र में भी थे, तो हर जगह ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें, चाहे आपके उम्मीदवारों से बात करें, लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहाँ आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, मोदी जी आएंगे तो हो सकता है स्वीप हो जाए, हो सकता है सीट निकल जाए। तो क्या 2024 के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं, जन जनमत संग्रह की तरह देख सकते हैं? अब ये तो सारा खेल मीडिया के लोगों का होता है, किस समय किस प्रकार से एनालिसिस करना। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं कोई चुनाव के समय काम करने वाली सरकार नहीं चलाता हूँ। आप मेरा 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो एवरेज फ्राइडे सैटरडे संडे मैं हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में गया हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है। और चुनाव में मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र का उत्सव ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं, जाकर के एक प्रकार से प्रशिक्षण का काम होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। तो मैं एक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते चुनाव या न हो, मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ और इसलिए मैं जाता हूँ। जहाँ तक ये दो फेस का सवाल है, मैंने ऐसा जन समर्थन बहुत कम चुनावों में देखा है जो मैं इस बार देख रहा हूँ। एक प्रकार से चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, सुशासन के लिए लड़ रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लड़ रही है। ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं तो शायद एक निमित्त हूँ। इस बार मेरा जरा ज़्यादा उत्साह है लोगों के बीच जाने का, और पहले के तुलना में शायद मैं ज़्यादा बार जाना भी चाहता हूँ, इसलिए कि जो जनता जनार्दन इतने उमंग और उत्साह के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली हो, तो वो जनता जनार्दन को जाकर के उनको प्रणाम करना, नमन करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये मुझे अपना कर्तव्य लगता है। और मैं देखता था जो फर्स्ट राउंड हुआ, तो मैंने किसी दोस्तों को कहा था कि पहले राउंड में ये हमारे खिलाफ जो लोग मोर्चा लगा कर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पहले राउंड में वो पस्त हो गए जी। और कल मैंने देखा दूसरे राउंड में ये ध्वस्त हो चुके हैं। यानी पहले लोगों ने पस्त कर दिया, अब ध्वस्त कर दिया। मोदी जी, जब